मॉड्यूल सेवेंटी लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू टू जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ फार्मर की बात करते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट फार्मर डिटरमिन करता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अगर यहाँ पे अगर मार्जिन रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन मार्जिनल कॉस्ट हो तो फार्मर कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाई प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट कि जो जिस भी लेवल ऑफ आउटपुट पे आप मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हो और उस पॉइंट पे अगर मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से तो फार्मर को क्या करना चाहिए ही शुड इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट टू गेट मोर प्रॉफिट अगर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू तो मार्जिनल कॉस्ट हो होगा देन क्या होगा फार्मर इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड देर इज नो नीड टू चेंज हिज लेवल ऑफ आउटपुट और अगर यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू

मार्जिनल रेवेन्यू और एक मेरे पास लास्ट कॉलम में क्या है प्रॉफिट अब अगेन हम एक हाइपोथेटिकल टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अबाउट एग्रीकल्चर आउटपुट अलॉन्ग विद मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अब ये टेबल मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू तो यहां पर सिचुएशन क्या होगी कि फार्मर कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाई इंक्रीजिंग दी लेवल ऑफ आउटपुट एंड द लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो रहा है ही शुड डिक्रीज दुट टू मैक्माइज प्रॉफिट अब अगर हम कंबिनेशन जी के रेफरेंस में बात करें देन फार्मर इज प्रोड्यूसिंग टेन पॉइंट एट्स ऑफ आउटपुट एंड अगेंस्ट एट ऑफ आउटपुट फार्मर इज फेसिंग अस्ट इज इक्वल टू थर्टी थर्टी थ्री थ्री

कि फार्मर को अपना आउटपुट डिक्रीज करना चाहिए टू इंक्रीज इज प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कहां पे होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ फार्मर विल बी समवेयर बिटवीन दीज टू लेवल्स ऑफ आउटपुट और इसी चीज को अगर हम एक ग्राफ की फॉर्म में शो कर दें अगेन क्या है कि देर आर ओनली टू पॉइंट्स इन द गिवन डायग्राम वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू But between these two points that we are denoting with combination A and combination B, there is only one point where marginal cost curve is a positively sloped curve. But before point P, situation kya hai? marginal cost is less than marginal revenue. can indicate kar to increase the profit, farmer should increase its level of output. Ke it should move towards point B. जब हम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ फार्मर की बात करते हैं तो यूजली क्या होता है फार्मर इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर ही इज गेटिंग पॉजिटिव प्रॉफिट लेकिन कई दफा ऐसी सिचुएशन भी होती है कि फार्मर इज प्रोड्यूसिंग लेवल ऑफ आउटपुट जिसको आप ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट कहते हैं वो ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट कब होता है जब हम कहते हैं कि आपकी मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू आर इक्वल अगेंस्ट द लेवल ऑफ आउटपुट फार्मर इज प्रोड्यूसिंग और वो कब होगा क्या जी फार्मर इज मैक्सिमाइिंग प्रोड्यूसिंग टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवन्यू इसी तरह यह भी पॉसिबल है कि फार्मर कुछ ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करे जिसको आप शटडाउन लेवल ऑफ आउटपुट कहते हो यह शट डाउन लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा एट द लेवल ऑफ आउटपुट द लेवल ऑफ आउटपुट दैट फार्मर डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ऑन बेसिस ऑफ एम सी एंड एम आर वहां पर सिचुएशन क्या है प्रिवेल करे मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब हम इन्हीं चीजों को शो कर रहे हैं इस डायग्राम में सबसे पहले हम यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट अगेन टेकिंग एग्रीकल्चर आउटपुट ऑन हॉर्जेंटल एक्सेस

स्ट इनफैक्ट ही इज नॉट गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा देन फ्रॉम हीज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट और यहां पर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जी फार्मर इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर लेकिन वहां पर सिचुएशन क्या प्रिवेल करें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स इक्वल टू एवरेज रेवन्यू अब यहां पे क्या है फार्मर इज इन अपोजिशन टू कवर एट्स वेरिएबल कॉस्ट बट ही इज नॉट इन अपोजिशन टू कवर फिक्स कॉस्ट जब कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि फार्मर सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर करे और फिक्स्ड कॉस्ट को वो कवर ना कर सके तो हम कहते हैं फार्मर इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट अगेंस्ट शटडाउन लेवल तो अगर यहां पे थोड़ी सी भी अगर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी तो वो उसके लिए ये वायबल होगा कि ही शुड क्लोज डाउन हिज बिजनेस अगर मैं अब सारी इन सारी चीजों को समराइज कर दूं कि फार्मर डिसाइड्स अबाउट इट्स लेवल ऑफ आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ एम सी इज इक्वल टू एम आर और यहां पे मोस्ट यूजली क्या होगा फार्मर अर्न पॉजिटिव प्रॉफिट और वो पॉजिटिव प्रॉफिट कब होगा व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज पास्ट आपके पास ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट कब होगा कि अगेंस्ट लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज डिसाइडेड बाय द फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ एमसी इज इक्वल टू एमआर वहां पे आपकी एआर इक्वल टू एसी हो जाए आपके पास शटडाउन लेवल ऑफ आउटपुट फार्मर कब प्रोड्यूस करेगा व्हेन अगेंस्ट द लेवल ऑफ आउटपुट दैट ही हैज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एमसी इज इक्वल टू एमआर वहां पे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाए